इस वीडियो में हम विषय से मोशन चैप्टर के अंतर्गत अदिश तथा सदिश राशियों को पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश यानी स्केलर तथा सदिश यानी वेक्टर। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसको किस प्रकार हम लोग परिभाषित करते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे, दोनों में अंतर क्या है, ये सब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, विभव, ये सारी जो है अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया, गुना तथा भाग किया जा सकता है। ये है अदिश राशियाँ। इसमें मैग्नीट्यूड होती है, मतलब परिमाण, मात्रा होती है सिर्फ, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो जिन भौतिक राशियों में केवल मात्रा यानी मैग्नीट्यूड होती है, परिमाण होती है, उसका डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन भौतिक राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होती है, उसे हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों को गणित नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया तथा गुना नहीं किया जा सकता। तो ये सारा एग्जाम्पल जो था ये सदिश राशियों का था, जैसे कि वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, बल अघूर्ण हो गया, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि जो है सदिश राशियाँ हैं। इन राशियों को, इसका परिणामों को गणना करने का सबका अलग अलग नियम होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्रों के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इसका कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अदिश तथा सदिश राशियों में अंतर। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ दोनों को दो पार्ट में हम लोग रखे हैं, दोनों का गुण अवगुण के बारे में हम लोग, अंतर के बारे में अभी चर्चा करेंगे। पहला है, अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा अंतर है, अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है, जबकि सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इसके लिए विशेष सूत्र होते हैं। तीसरा, अदिश राशियों को साधारण अक्षरों जैसे कार्य को W द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेकिन सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर, जैसे बल को F, F के ऊपर एरो लगाकर, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये सब जो मूल अंतर है अदिश तथा सदिश राशियों में,
ये तीन अंतर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही तीन अंतर से ही दोनों का आप परिभाषा समझ सकते हैं। इसी में इसका परिभाषा भी है और एग्जाम्पल भी है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।